हेलो गाइस, आप वीडियो का टाइटल देख के ये तो समझ ही गए होंगे आज क्या है और मैं इतनी खुश क्यों हूँ। आज मेरा फेयरवेल है। बचपन से लेके आज तक इस मोमेंट का वेट किया है। मैं स्कूल में अभी तक मेरा मोटिवेशन ही है रहने का कि फेयरवेल होगा, आगे नहीं फेयरवेल होगा, वेट कर ले वेट कर ले। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और आज की डेट क्या है? आज की डेट आज 13 जैन है। अ डेट टू रिमेंबर। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अभी मैं जाऊंगी पार्लर में, अपने बाल धुलवाऊंगी, थोड़ा हेयर कट करवाऊंगी, बाल सेट करवाऊंगी, एंड आई बी बैक ट्रांजिशन इन 1-2। दिस इज़ माई हेयर का आफ्टर लुक। आई वॉज़ वेरी डाइसी कि कैसे लगेंगे। अभी तो ब्लो ड्राई करवाया ना, आई होप इट स्टेज। अभी तो इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी। और मैंने ब्लाउज़ पहना है, साड़ी पहननी बाकी है। सो ट्रांजिशन करूँ कि नहीं, आई थिंक देखते हैं इफ पॉसिबल ट्रांजिशन। अभी मैं नीचे जा रही हूँ गाड़ी में मम्मी के पास, क्योंकि उसके बाद मम्मी छोड़ रही है मेरे को हितू के घर, ताकि हम अच्छी अच्छी पिक्चर्स ले सके उसके गार्डन में। तो आई विल शो यू माय फाइनल आउटफिट देन। फाइनल आउटफिट रिवील। दिस इज माय साड़ी। वेट, मैं इसे दिखाती हूँ। आई विल पुट पिक्चर्स so you can see properly, but mota moti this is the look and I am obsessed. अभी तो इतना तेरे ऐसे में चल पड़ी है, तेरे शादी में क्या करेंगे लोग? 200 रुपए तो होंगे ना। साढ़े बारह एक बजे तैयार। एम बैक, और मेरी स्माइल से आपको समझ आ रहा होगा कि कितना अच्छा दिन गया है। आई नो दिस व्लॉग में भी वेरी केओटिक, क्योंकि मैंने कुछ खास ऐसे शूट नहीं किया वीडियोज़ वगैरह, क्योंकि आई वॉज़ लाइक लिविंग इन द मोमेंट और वगैरह जो भी। तो जो भी क्लिप्स थी मैंने डाल दिए, जैसा था वैसा। सॉरी फॉर द केओस, बट आई लव्ड द केओस। इट वॉज सो गुड। मतलब मैंने स्कूल वाला पार्ट एक्सपेक्ट किया था, एवरीथिंग, बट इट टर्न आउट बेटर। और मैं अभी तक एक भी बार नहीं रोई, और मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगा था फुल रोना धोना होने वाला है, आई डिडंट क्राई। उसका मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि रोने का मन था मेरा, क्योंकि फेयरवेल है, कौन नहीं रोता। बट देन आई वॉज लाइक व्हाटएवर, इट वॉज अ डे। मे बी आई डीब्रीफ आफ्टर आई चेंज, बिकॉज अभी बज रहे हैं 9:30 और मैंने ये साड़ी पहनी है 12 बजे तक।
मैंने डीजे किया, मैंने ढोल में नाचा, थोड़ी देर नाचा पर मैंने नाचा, और मेरी साड़ी अभी भी लग रही है। हेलो गाइस, टाइम टू डीब्रीफ द होल फेयरवेल। ऑनेस्टली दिस एट दिस पॉइंट दिस इज नॉट फॉर यू गाइस, दिस इज फॉर मी टू लुक बैक एट। मतलब अगर मैं बाद में देखूँ तो मुझे याद रहे, क्योंकि हमारे स्कूल में फेयरवेल के दिन भी फोन्स अलाउड नहीं है, विच इज़ ओके, ठीक है, सबको लिव इन द मोमेंट एंड ऑल, बट आई लव रिकॉर्डिंग स्टफ। आई वॉज वेरी अपसेट, आई वॉज लाइक एक दिन अलाउ कर दो प्लीज़, बट नहीं। तो आई एम जस्ट एक बार बोल देती हूँ तो मेरे को भी याद रहे कि क्या क्या हुआ था। तो हम गए, पहले हमको हमारी जो क्लास वाइज एक बार बिठा दिया सबको, वी गॉट कप्स विद आर पिक्चर, जो मैंने एक बार पहले ब्लॉग में बोला था कि वी माइट गेट, और हमको मिला, और हमारी क्लास फोटो फुल प्रिंट आउट, जो दोनों मेरे पास नहीं है, वो मेरी किसी फ्रेंड के पास है, तो मेरे को अगर मिलता है जैसे ही अगर बिफोर पोस्टिंग दिस तो मैं दिखाऊंगी, वो मिला। उसके बाद हम बैठे जहाँ पे डांस वांस होने वाला था, मतलब परफॉर्मेंसेज होने वाली थी, तो परफॉर्मेंस स्टार्ट हुई, अमेजिंग स्किट, क्या का क्या बढ़िया किया है ना इलेवेंथ वालों ने, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल पहले टीचर्स ने किया, फिर सिंगिंग टीचर्स ने की, फिर इलेवेंथ वाले गाए, क्या आवाज़ है लोगों की, कैसे कैसे एकदम बहुत बढ़िया। उसके बाद डांस हुआ, सॉन्ग चॉइस अमेजिंग, डांस अमेजिंग, क्या एनर्जी थी, क्या मज़ा आया ना। और ऊपर से बॉलीवुड सॉन्ग, हमारे स्कूल में बॉलीवुड सॉन्ग कभी नहीं बजता, सिर्फ फेयरवेल वाले दिन, मतलब अभी तो फिर भी थोड़ा लीनियंट हो गया, पहले बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो सब हुआ, फिर खाने के लिए गए, खाना टू गुड, मतलब आज सब इतना टू गुड हो रहा था मैंने बोला। फिर डीजे हुआ, यूजुअली लाइक 15-15 मिनट का डीजे होता है, दैट इज़ एट, ख़त्म, हमारा 45 मिनट्स का हुआ, विच आई एम सो हैप्पी। एज आई वाज सेइंग, बिकॉज डीजे इज़ अ मस्ट, डीजे नहीं हुए तो पॉइंट ही नहीं है ये सब का। डीजे हुआ, फुल बॉलीवुड गाने, फुल एकदम बढ़िया वाला, सबके साथ नाचे एकदम मस्त। वो साड़ी में मेरे से चला नहीं जा रहा, पर नाचने की बारी आई तो साला कूद कूद के नाच रही हूँ मैं, एकदम मज़ा आ गया, एकदम किल हो गया। हालांकि बीच में थोड़ा वार्डरोब माल फंक्शन हो गया था साड़ी का, बट ओके आई हैंडल्ड इट। तो सब हुआ, फिर सब ख़त्म ख़त्म हुआ, फिर बाहर निकले, बाहर ढोल थे, मैंने क्लिप्स विप्स डाली है सब चीज़ की, मैं खाली एक्सप्लेन करी क्या कब हुआ। ढोल थे, हमने बहुत फन किया, पर तब तक मेरी साड़ी की, मेरे को ऐसा डर लग रहा था कि खुल जाएगी, तो मैंने बोला नहीं थोड़ा बहुत नाची मैं, फिर मैं फ़ोटोज़ वोटोज़ खिंचवाने लग गई। उसके बाद हम एक गाड़ी में 7 लोग गए थे, क्योंकि हमारे पास गाड़ियाँ नहीं थी, हम 7 लोग गए थे कैफ़े में, क्योंकि हमारी पूरी मतलब मोस्टली पूरी क्लास नहीं आ पाई थी, थोड़े लोग अपना अपना चले गए थे, पर मोस्टली बहुत लोग आए थे एक कैफ़े पर, सब लोग इकट्ठा हुए, हमने सब ने मतलब देखो सबके क्लास में थोड़े ग्रुप्स ग्रुप्स बन जाते, तो सब हर कोई के साथ तो इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती ना, तो हम लोग सब नेवर हैव एवर खेले थे, सो मच फन। मेरे को लगा था कि भाई कितना ऑकवर्ड हो जाएगा, कोई कुछ सच जवाब नहीं देगा, बट इतना मज़ा आया ना, इतना मज़ा आया, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू ऑल। एंड में मेरे को एक जनर ने बोला था ब्लॉग देने वाले, तो ये एंड में पूरी स्पीच क्या दे दी है, बट दैट इज़ द फेवरेट पार्ट ऑफ द ब्लॉग फॉर मी, आप लोग के लिए नहीं होगा, बट फॉर मी आई लाइक टू सिट एंड टॉक एंड एक्सप्लेन, ताकि मैं बाद में वीडियो देखूँ तो मुझे याद है कि ऐसा ऐसा है। सो दैट एज आई वाज सेइंग, that was the farewell, and I didn't cry, not a single tear drop coming from my eye, no, nothing, nada, and मुझे लगा था कि मैं तो फुल रोना धोना करूँगी कि फेयरवेल है ये वही, वो सब बोलते भी है, और मेरे को तो आ भी जाती है सब, स्कूल खत्म हो रही है ये वही, वो सोच के आपने देख ही लिया है वो क्लिप, हाँ तो मेरे को तो आ ही जाता है रोना, बट मेरे को नहीं आ रहा था। आई वाज लाइक ये क्या हो रहा, मुझे अभी तक भी नहीं आ रहा है, 12 बज गए रात के, 1 बज गए एक्चुअली, बट मेरे को नहीं आ रहा, मुझे लगा था कि मैं तो घर आके रोऊंगी, अब रोऊंगी, रोना ही नहीं आ रहा है। अभी हमारा अनऑफिशियल फेयरवेल बचा है जो 19th को है, सो शायद उसके बाद। सो या दैट वाज इट, मीट यू नेक्स्ट संडे।